एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक ऑलरेडी देखा हुआ है। उसके वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है और आई बटन पे भी दिया हुआ है, आप वहाँ पर क्लिक करके आप पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लें अगर आप नहीं किए हो तो। और आज के इस वीडियो में हम चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया है कि सैक 4A इज इक्वल टू कॉसैक A माइनस 20 डिग्री, वेयर 4A इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो आपको यहां पर ए का वैल्यू फाइंड करना है। हमें गिवन है सैक 4A इज इक्वल टू कॉसैक ए माइनस 20 डिग्री। हमें एक बात बहुत अच्छे से मालूम है कि कॉसैक सैक ए इक्वल टू होता है कॉसैक 90 डिग्री माइनस ए। ये हमें फॉर्मूला पहले से पता है कि सैक ए इज इक्वल टू होता है कॉसैक 90 डिग्री माइनस ए। तो यही रिलेशन है एस्टेब्लिश किया है यहाँ पर। ए का वैल्यू जो है मेरा 4A है, दैट्स इट। तो मैंने इस ए के जगह पर इस 4A को पुट कर दिया, इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ है कॉसैक ए माइनस 20 डिग्री। सो ये कॉसैक कैंसिल हो जाएगा और हम यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 4A इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा ए माइनस 20 डिग्री। ऑल राइट, डिग्रीज को डिग्री तरफ कर लिया जाए, ये 20 डिग्री जो है माइनस में है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस 20 डिग्री। और ए को ए की तरफ कर लिया जाए ताकि हमें सॉल्व करने में इजी हो। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर माइनस 4A है, तो माइनस 4A इक्वल के इस साइड आएगा तो प्लस 4A हो जाएगा। सो 9 and 2 11, तो यहाँ हो गया 110 इक्वल टू 4 और 1 5, तो 5A। हैंस इस 5 को हम इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो हमारा आएगा ऐसा कुछ कि ए इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 5 एंड इट विल कैंसल। 5 to the 10 1, 5 to the 10, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 22 डिग्री। ए इज इक्वल टू 22 डिग्री। ऑल राइट, सो यही हमारा डिजायर आंसर है क्योंकि हमें वही निकालने के लिए कहा गया है आपको ए का वैल्यू। और ये बात आपको ध्यान रखने के लिए कहा गया है कि जो आपका 4A का वैल्यू होगा वो एक एक्यूट एंगल होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 4A कितना आ रहा है। तो 4 into A का वैल्यू हमारा है 22 डिग्री, तो यहाँ देखते हैं तो ये आ रहा है 88 डिग्री। तो डेफिनेटली ये 88 डिग्री जो है ये एक एक्यूट एंगल है क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है 88 का वैल्यू, लेकिन ये 90 डिग्री से छोटा है। तो डेफिनेटली मेरा जो आंसर आया है वो सही है। ऑल राइट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कुछ डेटा को प्रूव करना है। यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम है ABC और उस ट्रायंगल के 3 एंगल्स A, B और C दिए हुए हैं। और आपको ये प्रूव करना है कि उसी ट्रायंगल के जो एंगल बी और सी है उनका साइन का वैल्यू अगर निकालें, हाफ करें, तो वो इक्वल होगा कॉस ऑफ एंगल ए बाई टू का। दैट मीन्स इफ वी हैव अ ट्राइंगल ए बी सी, तो यहाँ पर आपके पास 3 एंगल्स आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ आपको इन तीनों एंगल्स को यूज़ करते हुए इस रिलेशन को स्टैब्लिश करने के लिए कहा गया है। तो हमें पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, राइट। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए प्लस एंगल्स को हटा करके ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। नाउ डिवाइडिंग 2 on both side, लिखेंगे यहाँ लोग कि डिवाइडिंग 2 on both sides, देन वी हैव ए प्लस बी प्लस सी होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई 2। सो इसे अगर सॉल्व करते हैं आगे तो यहाँ ये कट जाएगा और 90 डिग्री होगा, तो हमारे पास यहाँ आना चाहिए ए अपॉन 2 प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। मैं इसे सेपरेट कर सकता हूँ ऐसे, इक्वल टू यहाँ बचेगा 90 डिग्री। और ये जो तुम्हारा ए बाई 2 है इसको जब मैं इक्वल को उस तरफ भेजूंगा तो हो जाएगा
बी प्लस सी बाई टू इस तरफ बच जाएगा और वहां हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। अब क्या करेंगे हम यहां पर, तो अब हम करेंगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई। क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग साइन ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों तरफ साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा मेरा साइन इधर हो जाएगा बी प्लस सी अपॉन टू, और यहाँ पर भी हम साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। ऑल राइट, तो ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है यानी कि साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू ये एज इट इज रह जाएगा, लेकिन ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 90 माइनस ए, तो साइन 90 माइनस ए होता है कॉस ए, तो हमारे पास जो ए है वो ए बाई टू के बराबर है, इसलिए हम ए बाई टू को यहाँ उतार दिए। हेंस इट इज प्रूव्ड दैट साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए बाई टू। एंड इस चैप्टर का सबसे, इस एक्सरसाइज के सबसे लास्ट क्वेश्चन के जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि ये जो आपके पास एक रिलेशन दिया हुआ है, यानी कि साइन एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इनके जो एंगल्स हैं उनके एंगल्स के मेजरमेंट को आपको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, देखें साइन 67 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 67 डिग्री प्लस कॉस 75 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 75 डिग्री। तो ये हो जाएगा कॉस 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा 7 3 10 6 और 2 8 1 9, तो कॉस 23 डिग्री प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो देखो मेरा जो ये साइन 67 डिग्री का वैल्यू था, ये जो एंगल था 67 डिग्री, उसे मैंने 23 डिग्री के रूप में लिख दिया, और 75 डिग्री जो मेरा था उसे मैंने 15 डिग्री के रूप में लिख दिया। और डेफिनेट सा बात है कि जो मेरा ये 23 डिग्री है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 45 डिग्री से छोटा है। इन द सेम वे जो मेरा 15 डिग्री है वो 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 45 डिग्री से छोटा है, यही हमें यहाँ पर बोला गया था करने के लिए। दैट्स इट, तो ये हमारा डिजायर आंसर होगा। आई होप आपको एक्सरसाइज 8.3 के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आगे के जो एक्सरसाइज होंगे 8.4 उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे उन्हें हम पहले देखेंगे, उसके बाद 8.4 को पूरा हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।